तो दर्शकों लगातार ये जो पूरी कवरेज है, कवरेज के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं ये जो पूरा प्रोग्राम है वो कैसा रहा। हम खड़े हैं अभी सतलोक आश्रम वेदखेड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेन गेट है, उसके बाहर ही हम लोग खड़े हुए हैं। अभी ये जो समागम है वो तकरीबन संपन्नता की ओर है, जो श्रद्धालु है वो तकरीबन जा चुके हैं, कुछ और श्रद्धालु बचे भी हैं। तो हम एक व्यू लेना चाहते हैं यहाँ के जो सेवादार हैं उन लोगों से कि आखिरकार इस प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप, और भी कुछ अगर आपके पास कुछ शब्द हों जरूर हमारे दर्शकों को बताइए सर इस प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम एक साल में एक बार आता है, संत गरीबदास जी का बोध दिवस। इसी तरह से संत रामपाल जी का पीछे बोध दिवस था, तो हम ये बताना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज इन सभी जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो ज्ञान संत रामपाल जी के पास है वो अन्य के पास नहीं है, इसको मैं फख्र से कह सकता हूँ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के सदग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उस गहन अध्ययन में पाया कि परमात्मा का नाम कबीर है, जिसको दुनिया कहती है एक परमात्मा है, वो एक परमात्मा कबीर साहिब हैं। और सभी में प्रमाण है, जैसे वेदों में प्रमाण है, गीता में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहिब में, सभी धार्मिक सदग्रंथों में इनका प्रमाण है कि कबीर साहिब परमात्मा है। इसलिए ये भी कहते हैं, हम एक जयकारा लगाते हैं, ये दुनिया अनजान है, कबीर साहिब भगवान है। ये दुनिया अनजान है तो लोग ये सोच लेते हैं ये पूरी दुनिया ही अनजान है क्या, वास्तविकता ये है कि जिन लोगों की जिम्मेवारी इन सदग्रंथों को समझकर अन्य लोगों को बताना था, आम जनता को बताना था, वो खुद ही नहीं समझ पाए तो अन्य क्या बताएंगे। इसलिए पूरी दुनिया अनजान है इन बातों से कि कबीर साहब भगवान है। किसी से पूछे, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, परमात्मा कितने हैं? आप तपाक से कहते परमात्मा एक है, फिर कौन है वो एक परमात्मा? इस बात की जानकारी आज तक पूरे संसार को नहीं थी, परमात्मा रामपाल जी परमात्मा ने ही ये सारी बात बताई। सर संत रामपाल जी महाराज जी में और अन्य संतों में क्या फर्क है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर वैन विनोद, चार वेद शास्त्र कहें 18 बोध। हमारे जो शास्त्र हैं उन सब को का ज्ञान अध्ययन करके सतगुरु देव जी पूरी जनता के सामने रखते हैं, अपने भक्तों को बताते हैं। और अब तो किसी भक्त से मिलके देखिए आप, सभी आपको ऐसा ही ज्ञान देंगे, क्योंकि गुरु जी ने उनको रंग में रंग दिया, ये सारा खोल के बता दिया कि ये ज्ञान ये है असली। इसलिए अब किसी तरह कोई आपत्ति है किसी भक्त पर वो कभी दूर भागता ही नहीं, क्योंकि पूरा ज्ञान मिल गया, पूरे परमात्मा मिल गए। इसलिए संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है, सदी सदी सभी सदग्रंथों में से ज्ञान जो मौजूद है उन्हीं में से निकाल कर लोगों को बता रहे हैं। और कबीर साहब की वाणी है, गरीबदास जी की वाणी है, ये तो है ही सत्य अपने आप में। जो सदग्रंथ हमारे सामने पहले प्रचलित है उनमें भी ये ज्ञान रखा हुआ है, किसी को पता ही नहीं था, संत रामपाल जी ने इनसे निकाल कर जनता को बताया है। इसलिए आम आदमी उन पर विश्वास ज्यादा करता है और सीधा संत रामपाल जी चरणों में आ जाता है, उनसे नाम ग्रहण करके भक्ति करते हैं। और जो लाभ पूर्ण परमात्मा किसी भी भक्त को दे सकता है, जैसे हम देखो आंख कोड़ी को काया, ये सारे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी भक्तों को ये लाभ मिल जाते हैं जो पूर्ण परमात्मा देते हैं। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि काफी मशक्कत से यहाँ के जो श्रद्धालु हैं सेवादार हैं उन्होंने डेकोरेशन को लेके काफी मेहनत की थी, तैयारियों के जो वीडियो हमने बनाए थे हम देख रहे थे, यहाँ पर जो नाइट कवरेज भी हमने की थी काफी शानदार तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा आयोजन था वो किया गया था, तैयारियाँ बहुत अच्छी थी। क्या कहना चाहेंगे सर इस प्रोग्राम के बारे में? देखो प्रोग्राम तो आपने देखा ही है, कैसा प्रोग्राम था तो आप बताएंगे, हमारी तरफ से तो कोई कमी आई हो इस प्रोग्राम में, भोजन भंडारे में, खाने में, प्रोग्राम की सेवा में, जो पब्लिक आई उसकी सेवा करने में, वो आप हमें बताइए सेवा में कमी हो। आपने देखा मुसलमान भाई भी आए, सिख भाई भी आए, हिंदू भाई भी आए, सभी मजहब के लोग आए, संगत तो आई मगर जो जगत वाले हैं वे भी आए। अगर इस हमारी तरफ से तो फर्स्ट क्लास प्रोग्राम गया, हमारा एक नंबर का प्रोग्राम गया, आप बताइए आपको कैसा लगे? सर इसमें कोई दो राय नहीं है, जो पब्लिक के रिव्यूज थे वो यही कह रहे थे कि हमें यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, चाहे वो खाने को लेकर हो चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। लेकिन एक बात और है सर, इतना ये जो इंतजाम है, हमें आश्चर्य इस बात का है कि वर्तमान में हमारे कुछ पड़ोसी ऐसे देश हैं जहाँ पर रोटी खाने के लिए नहीं है,
लेकिन संत रामपाल जी महाराज देशी घी का भंडारा चला रहे हैं। सर इतना भंडारा आ कहां से रहा ये बताइए हमारे। ये तो परमात्मा दे रहे हैं जी, ये हम नारा भी लगाते हैं, ये दुनिया अनजान है, धरती पर भगवान है, वो भगवान बैठा है, परमात्मा बैठा है जेल धाम में, कोई आम इंसान नहीं है। जो पाकिस्तान में आप देख रहे हो, जिसका जिक्र कर रहे हो, नेपाल में देख रहे हो, अन्य देशों में देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की रजा से आ रहा है, वे ही भेज रहे हैं, किसी की औकात नहीं है। कोई खिला देते ना आदमी को खाना, आप बता दो कोई नेता मंत्री संतरी आज तक कितने हो लिए, हर महीने भंडारा चला, अब तो 15 दिन में चल रहा है भंडारा, आप बताइए मुझे किसने खिला भंडारा। इतने आदमियों को, करोड़ों आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने आश्रम है, 12 जगह प्रोग्राम चल रहे हैं अपने, 11-12 जगह, आप बताओ करोड़ों आदमी आ रहे हैं, आप लाखों आदमी यहाँ देख रहे हैं डेली का, तो करोड़ों आदमी हो गए ना, और देशों में भी है, तो ये कौन कर सकता है, आम इंसान नहीं, और ना ये आम इंसान इंतजाम कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, ये परमात्मा कर रहे हैं स्वयं, वो एक वाणी है परमात्मा की, करा करावे साइयां मन में लहर उठा, और तत्व सिर धरती के आप पकड़ हो जा, करने वाले हुए करवाने वाले हुए, आप तो खड़े हैं निमित्त बने, करते रहेंगे सेवा जब तक परमात्मा करवाएंगे। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जब भी समाज सुधार की बात आती है, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम वर्तमान समय में सर्वोच्च स्थान पर है। सोशल रिफॉर्मिंग की बात हो, फीमेल फेटासाइड की बात हो, डाउरी सिस्टम की बात हो, चाहे हम वाइन क्यों लेकर, संत रामपाल जी महाराज हर एक नशे से भारत को मुक्त कर रहे हैं, दहेज प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं। क्या कारण है संत रामपाल जी महाराज ये सब कर रहे हैं? और ये भी बताइए कि और क्या क्या जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सोशल रिफॉर्मिंग जो वर्क हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, जो अभी ये प्रोग्राम संपन्न हुआ है, आज 4 तारीख है, 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था, और 2, 3, 4 को ये अखंड पाठ संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का चला, और आज संपन्न हुआ है। तो इतने बड़े घोर कलयुग में इतना पवित्र समागम समापन हुआ है, और ये समागम जो आज समापन हुआ है बहुत ही पवित्रता के साथ और भाईचारे के साथ समापन हुआ है। तो अगर हम सामाजिक सुधार की बात करें, जैसे कि आपने पूछा संत रामपाल जी महाराज जी क्या सामाजिक सुधार कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि यहाँ पे कोई नाम दीक्षा लेता है, नाम दीक्षा लेने के बाद वो सर्व बुराई त्याग देता है, तो सबसे बड़ा समाज सुधार यही है कि वो सारी बुराइयाँ त्याग देता है। दूसरा डोरी सिस्टम कि दहेज प्रथा, कितनी बहन बेटियां जलकर मर रही हैं, कितना बड़ा अभिशाप भारतवर्ष में लगा हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ले देता है वो दहेज प्रथा में कोई विश्वास नहीं रखता, ना दहेज लेता है ना देता है। और अगर हम तीसरी बात करें कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई जाति पाति नहीं है, कोई ये नहीं कि ये फलाने धर्म का है इस धर्म का है, तो सभी बड़े भाईचारे प्रेम से रहते हैं, कोई शत्रुता नहीं रहती है, कोई आपसी लड़ाई नहीं रहती है, तो कोई नशा नहीं करता है। देखो नशे से कितनी बुराइयां पनप रही हैं, लोग मर रहे हैं, तो कोई नशा नहीं करता। अगर आप देखेंगे, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि भाई कोई लाखों का आवा नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी हमने रिपोर्टिंग की यहाँ पर मेन गेट पर कुछ सेवादार मौजूद थे, उन्होंने हमेशा हमें यही बताया कि वी आर स्टॉपिंग द ऑल थिंग्स जो कि प्रतिबंधित हैं इस आश्रम में, लाइक बीड़ी तंबाकू शराब इत्यादि हर एक नशे की वस्तु जो प्रतिबंधित है वो यहीं पर ले ली जाती है। कोई व्यक्ति इस आश्रम में नशा करता ही नहीं है, चाहे वो जगत हो या भक्त की तो बात ही अलग है। बट सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का जो विवाह प्रक्रिया है वो एक अलग है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्यों का जो एक आइडियोलॉजी है वो एक अलग है। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोग्राम में हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी मैंने कल देखा वो भी आए थे। किस धर्म की स्थापना करना चाहते हैं आखिरकार संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऑलरेडी इतने सारे धर्म मौजूद हैं, संत रामपाल जी महाराज किस धर्म की स्थापना करना चाहते हैं? देखिए कोई ये नहीं है कि कोई संत रामपाल जी महाराज एक नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कोई एक नए धर्म को जन्म दे रहे हैं। आप बुरा मत मानना, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, इस वजह से मैंने ये पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं। संत रामपाल जी कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वास्तव में वो मानव धर्म है, और मानव हम कैसे बनेंगे, मानव बनेंगे सर्व बुराई त्याग देंगे तो हम मानव बनेंगे। तो ये संत रामपाल जी महाराज कोई विशेष ये नहीं कहते कि भी इस धर्म में आओ या उस धर्म आओ, हमारा सब एक मानव धर्म है। क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं को छुड़वाते हैं? नहीं नहीं, ये बिल्कुल मिथ्या है, और ये एक गलत प्रचार किया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि भी संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं को छुटवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि आप अगर नाम दीक्षा लेंगे लेकर के देखो, सारी बुराइयां आपकी छूट जाएंगी, और शुरू से ही प्रथम मंत्र ही हिंदू देवी देवताओं का होता है, आप बिल्कुल इसमें देख सकते हो, नाम दीक्षा ले सकते हैं।
दर्शकों, जैसा कि हमें लोग बताते थे कि संत रामपाल जी महाराज कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये स्वयं कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं, मानव धर्म की स्थापना कर रहे हैं और नशा मुक्त और दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं, तो कुल मिलाकर आपने देखा यहाँ पर ये जो लोग खड़े हैं इनके रिव्यू से, सर ये बताइए यहाँ पर जो सांसारिक लोग आए, भक्त भी आए, सर ये जो आश्रम में जो भंडारा था वो सिर्फ भक्तों के लिए फ्री था या सभी के लिए फ्री था? यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं, चाहे वो धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से धर्म से जुड़ा हुआ है, सबके लिए फ्री था। और जो यहाँ रात को स्टे कर रहे थे उनके लिए सोने का, बिछाने का, ओढ़ने का, नहाने का, धोने का, लेटरिन बाथरूम सब उनके लिए अवेलेबल था बगैर फीस के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर से इन सभी लोगों को दिखाइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत से इन्होंने इस समागम को संपन्न किया, जैसा कि इनका कहना है कि अपने गुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार संपन्न किया। यहाँ पर एक सर और खड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर यहाँ पर हम देख रहे थे कि लगातार आप बार बार कहीं पंडाल में घूम रहे हैं, कुल मिला के आपकी क्या सेवा लगी हुई थी सर? सर देखिए, हमारी यहाँ पे व्यवस्था के हिसाब से सेवा अलग अलग लगी हुई थी। तो हमारी जो सेवा थी भाई, जैसे देख रेख की थी भाई, पंडाल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक गतिविधि ना हो, या मान लो जैसे भाई आश्रम के अंदर नशा नहीं लेके जाना, तो ऐसा कोई गलती से लेकर के ना गया हो, और भी अन्य एक्टिविटीज ऐसी होती हैं उनकी देख रेख की सेवा मान लेते। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को ये सब बताने के लिए। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा सभी लोगों को दिखाएं। और अब मैं सभी हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, जो ऐसे न्यूज की जो हमारा न्यूज चैनल है, आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल टाइम एंड वैल्यूएबल टाइम टू अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।